सो गाइस फाइनली जो है 3 to 4 months की वेटिंग के बाद अपने को मिल चुकी है मीटियोर 350 की डिलीवरी, जो कि मेरे बड़े भाई ने ली है। सो यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो, ये जो है रेड कलर हमने चूज़ किया था, फायरबॉल मॉडल लिया है। सो आप जो है चेक कर सकते हो, ये बाइक जो है वैसे रेड कलर जो है ज़्यादा बेटर लगता है येलो के कंपेयरिंग में। उसके अलावा जो है अभी सारा स्टॉक आने लग गया है फिर से मंजिल मोटर्स से, जो हमने बाइक की है जो कि गुड़गांव में है सोना रोड पर। तो यहाँ पर जो है इसकी डिलीवरी ली जा रही है। ये जो हमने बुक कराई थी दिसंबर में, लेकिन उस टाइम पे इसकी प्राइस थी 2,05,000 रुपये ऑन रोड, और अभी जो ये मॉडल आया है 2021, इसकी जो प्राइस है अप्रैल में ही अभी बढ़ाई गई है, लगभग 10 दिन भी नहीं हुए, लगभग 4-5 दिन ही हुए हैं। सो इसकी जो है 5 से 6 हज़ार प्राइस बढ़ा दी गई है, पहले जो है 2,05,000 की थी, लेकिन अभी जो है 2,12,000 की पड़ी है। तो ये जो है अभी थोड़ी सी कॉस्टली हमें पड़ी है, बाकी जो है इस आप बाइक दे सकते हो। एंड अभी जो है इसकी एक थोड़ी सी टेस्ट राइड लेते हैं और फिर देखते हैं कि बाइक में कोई कमी वमी तो नहीं है। सो वो जो है एक बार भैया जी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी गाइस ये जो है अपना कुछ डिसीजन था मीटियोर 350 का। बाकी आप बताना कि मीटियोर 350 लेनी सही रही या फिर जो है होंडा की लेनी थी कोई। बाकी मेरे को तो जो है मीटियोर सही लगी, बिकॉज रीसेल वैल्यू अच्छी है, पार्ट्स वगैरह कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, लॉन्ग राइड्स वगैरह करोगे तो आपको जो है मैकेनिक कहीं पे भी मिल जाएगा। और जो अपनी होंडा वगैरह की बाइक, उसको जो जल्दी से कोई नहीं खोलता है, जबकि आपकी मीटियोर के इंजन के बारे में छोटे से छोटे मिस्त्री को भी जो है पता होता है कि हाँ कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। सो वो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से रॉयल एनफील्ड जो हमने चूज़ की। सो यहाँ पर जो है इस डिलीवरी आज के दिन में ले ली, इस पर जो काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी, सो उनके लिए जो है वेट करना। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।